अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम पर अतिक्रमणकारियों ने पथराव और फायरिंग कर दिया। इस पथराव में नगर निगम के कई कर्मचारी घायल हो गए और निगम के सरकारी गाड़ियों से भी अतिक्रमणकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। वहीं दोनों तरफ से गोलियां भी चली और गोलियों के चलने के कारण क्षेत्र में सनसनी का माहौल पैदा हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची भारी पुलिस बल ने कड़ी मशक्कत के बाद अतिक्रमणकारियों पर काबू पाया और मामले की जांच में जुट गई। मथुरा के थाना सदर बाजार क्षेत्र अंतर्गत कृष्णापुरी तिराहे के साथ साथ अन्य कई जगहों पर नगर निगम की टीम के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा था। उसी दौरान अतिक्रमणकारियों ने नगर निगम की टीम पर पत्थर और ईंटों से हमला कर दिया। अतिक्रमणकारियों ने नगर निगम की कई गाड़ियों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं कई नगर निगम की कर्मचारियों की चोटें भी आई। इतना ही नहीं, अतिक्रमणकारियों ने नगर निगम की टीम पर फायरिंग भी कर दी और फायरिंग होता देख अधिकारी अपनी जान बचाकर भागने लगे और क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। फायरिंग की सूचना पुलिस को मिली तो सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। वहीं मौके से कई अतिक्रमणकारियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर घटना में घायल हो गए नगर निगम कर्मचारियों का कहना है कि हम लोग अतिक्रमण हटाने के लिए आए थे और इन लोगों ने अपने पशुओं को रोड पर बांध कर रखा था। जब हमने उनसे उनके पशुओं को हटाने के लिए कहा तो हमारे ऊपर हमला कर दिया। जेसीबी चालक के साथ साथ कई लोगों को चोटें आई और कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घटना की सूचना पर पहुंचे एसपी सिटी अशोक कुमार मिश्रा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि निगम कि टीम के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा था और इस अभियान के चलते पशु मालिक और नगर निगम के अधिकारियों के बीच कहासुनी हुई और इन लोगों ने उन पर पथराव कर दिया। तीन लोगों को हिरासत में लिया है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। दौरान विरोध भी हुआ, क्या मामला रहा ये? आज नगर निगम के द्वारा यहाँ पर जो कृष्णापुरी एरिया है सदर बाजार में, यहाँ पे अतिक्रमण हटवाए जाने की कार्रवाई की जा रही थी। तो मौके पर जो नगर निगम के कर्मचारी थे उनके अतिक्रमण को हटवाने के दौरान उनका विरोध किया गया, उनके साथ एक कर्मचारी के साथ हाथापाई भी की गई। इसी के संबंध में जो मौके फोर्स है उसमें दो महिलाओं और तीन लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही साथ आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है FIR दर्ज की जा रही है और यहाँ का जो कार्य है सुचारू रूप से भी चल रहा है। अभी कोई लॉ एंड ऑर्डर की यहाँ पर प्रॉब्लम टीम के साथ मारपीट भी हुई है। अभी तक फायरिंग की घटना जो हुई है उसके बारे में कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई है। बाकी आप मैंने जैसा बताया कि एक कर्मचारी है उसके साथ मारपीट भी की थी उन्होंने, उसके संबंध में FIR भी दर्ज की गई है। पांच लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और बाकी FIR दर्ज होने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रहा है। तो पथराव भी हुआ है यहाँ पे? हाँ, जो पथराव भी किया गया था उनके द्वारा उसके संबंध में भी FIR दर्ज की जा रही है। ठीक। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। JBD Banquets lie hai incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.